ये आरती रावत है, ये वेलकम हो रहा है। हमारे पहाड़ों में रिवाज होता है कि जब किसी के घर पे पहली पहली। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि हम जा रहे थे और हमने गाना रिकॉर्ड किया। फिर अभी यहाँ की अगली वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं तिलवाड़ा से। तो तिलवाड़ा मार्केट में है अभी, और आज जा रही हूँ मैं दीदी के ससुराल, आरती दीदी के ससुराल। तो इधर है तिलवाड़ा मार्केट ऊपर साइड, और दी ये पुल पार कौन सा गांव है? ये सुमारी। अब सुमारी, अच्छा सुमारी गांव ये पुल के पार। तो इसी रोड से जाएंगे हम दीदी के ससुराल, और दीदी के ससुराल का नाम है पाली, पाली गांव जो कि तिलवाड़ा में पड़ता है। एक पाली हमारे इधर भी है ना सरोना में। हमारे कौन हाय हेलो। तो अभी आज मैं जाऊंगी दीदी के ससुराल, तो देखते हैं आप लोगों को भी वहां का नज़ारा दिखाएंगे, वहां के गांव दिखाएंगे, वहां के लोग दिखाएंगे अपनी वीडियो में। और बाकी गाड़ी तो यहां पे लगी रहती है, पर हमने सोचा हम धीरे धीरे पैदल चलते हैं। जहाँ पे हमको किसी ने अपने हाथ बिठा दिया तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल जाएंगे, नहीं तो हम आराम से पैदल सफर करेंगे। आजकल देखो ना, नदी ने कितना भयंकर वाला रूप ले रखा है, बहुत ज्यादा वाला गंदा गंदा पानी आ रहा है, बहुत बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये पुल क्या बोले देते है ना, ये पुल है इस पुल में तो। ये तिलवाड़ा से ये वाला पुल है, और इस पुल से इधर आना है। सुनो तो, ये कभी मेरा ही काम करेगी ये, पता ये वीडियो कभी मुझे दोबारा आना होगा इस वीडियो में देखूंगी मैं। देखना है, आना है। और इधर से इधर इधर जाना है कि इधर इधर। अच्छा चलो गाइस, वीडियो में बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और गाड़ी आएगी तो ना मैं ऐसे कुछ नहीं जाऊंगी ना बीच रोड की, वीडियो बनाते बनाते पता भी नहीं चलेगा कि मेरी एक टांग कहाँ चली गई। एक टांग जा रही है पुल पार, एक टांग पुल के इधर। तो गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आज मैं ना अपनी बुली को पैदल पैदल ले जाऊंगी। और कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोगों को वैसे भी हमें ठेठ पहाड़ी पैदल चलने की ठेठ पहाड़ी को आदत होती है, वैसे तो मिल भी जाएगी। गाड़ी में बैठे बैठे तो बोर हो जाते हैं, मतलब एकदम खट्टे अकड़ा जाते हैं। पैदल चलो बढ़िया लगता है, खट्टे अकड़ा जाते हैं ये, मतलब पांव अकड़ जाते हैं कि बैठे बैठे, तो थोड़ा पैदल सफर भी अच्छा रहता है। और ठंडी ठंडी हवा खाते खाते इधर ये रहा सामने तिलवाड़ा मार्केट। दुकान में दीदी कर रही है यहाँ पे शॉपिंग अपने लिए, कुर्ती ला रही है। ये है भैया जी, हाय तो करो भैया। मेरी करिश्मा सूट एंड साड़ी सेंटर। अच्छा सुमड़ी, सुमड़ी गांव में मार्केट, सुमड़ी मार्केट मार्केट राधे बहमंद किले ये साइड। हम इत्तेफाक से आज आए थे ओला, अब ओला जान पहचान बनी तो अब जरूर ओला। बाकी को दिवा कुर दिली उन्हें दी दी भाई था, ये नहीं मुझे ये भी ठीक है छू, ये भी ठीक है छू, ये भी दे दिया की था ध्यान में सर दुकान है उठोण पा। दिखा अपनी कुर दे, दिखा ये भी ठीक छू, ये भी ठीक छू ना, ये सिलगढ़ की मशहूर सिंगर आरती रावत। सिलगड़े की बांध मेरे भाई की दुकान पे जरूर आना बोला। तो मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहती हूँ एक बार भाई की दुकान पे जरूर आओ, यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में अच्छा सामान मिलता है, तो एक बार सेवा का मौका जरूर देना। थैंक यू। बाद में एक कुर्ती हो जाए फ्री में। आपके गांव की, आपके गांव की इतनी महान, इतनी लोक गायक आरती रावत, एक कुर्ती आप इनको फ्री में नहीं दे सकते हैं क्या? वो दो दीदी पकड़ो, अभी वीडियो दीदी पकड़ो, अभी वीडियो बन रही है, फायदा उठाओ। तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग कर ही रहे थे, तो हमको मिल गए हम यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जाने माने एक्टर भी और डायरेक्टर भी, भैया को सबसे पहले तो प्रणाम। अंकुश सकलानी भैया जिनको तो सभी जानते हैं, और भैया आपसे यहाँ पे जाना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये आरती रावत है, आप कुछ बोलिए हमारी वीडियो में। और ये आसमा नेगी जी हैं, आप भी मेरे ख्याल से सिंगिंग में अभी शुरुआत हो रही है आपकी,
तो जो भी मेरे से जो भी सहायता होगी एज ए वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू कैपर मोदाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ना कैमरा घुमाया ना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने भाई का। पहुंच चुके हैं तिलवाड़ा के पाली गांव में, यानी कि दीदी के गांव में, तो गांव तो यहाँ ऊपर है, ऊपर है गांव और दीदी का घर है यहीं बस रोड में। तो वेलकम है आप। आगे आगे से दीदी जा रही है, पीछे से मेरे को बेद के ले जा रही है। तो दीदी लोगों का घर गांव रोड से ज्यादा दूर नहीं है, बस रोड से उतरो थोड़ा सा यहीं पे है, बाकी गाँव तो काफी ऊपर है। ये फूल से दीदी मेरा वेलकम कर रही है, थैंक यू आपके लिए, मेरे लिए भाई ये वेलकम हो रहा है मेरे लिए। फूल से वेलकम, वेलकम है आओ आप। थैंक यू थैंक यू फूल, आपने मेरा वेलकम किया। हाँ यदि तुम घोरा तो घरे का डाल बट छोड़ पुन घास डाल डाल ना लो खाली। यहाँ से शुरू होता है तो हम जाएंगे आगे आगे। ये है दीदी लोगों का घर, अकेले जगह पे है, बहुत अच्छा अचुरान यार, अकेला जगह बढ़िया होन, ज्यादा घिमसाण भी अच्छी नहीं होनी। पॉली हाउस भी तुम्हारो जे हाँ लोकर जे अच्छा। बाकी ये है इधर उधर का बहुत खूबसूरत नजारा पाली गांव का। अरे दी यो भी हम उन कमीन कख भे ऊँट चो या तुम्हारा बाना मीन यो भी देख लिया आज। यहाँ इधर साइड हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं तो आज आरती दीदी की वजह से मैंने इधर तिलवाड़ा सुमाड़ी गांव से इधर जो भी गांव होते हैं सारे गांव देख लिए हैं। और ये है दीदी लोगों का घर। तो अभी तो मेरे ना फोन में बैटरी बहुत कम है, लो होने वाली है। हमारे पहाड़ों में रिवाज होता है कि जब किसी के घर पे पहली पहली बार जाते हैं तो उस पे टीका लगाया जाता है। थैंक यू, अब प्यार से कोई सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे घर पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद भूली तेरा। अब मैं भी करती हूँ सम्मान में, एक टीका भी पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। तो दगड़ियों अभी दीदी लोगों के घर में तो पहुंच गए हैं और ये है इनका घर, खूबसूरत घर। कोई नहीं होता है घर में, बच्चों के साथ सब हो जाता है। और अभी मेरे फोन में ना बैटरी बहुत कम है, मैं एक बार थोड़ा सा फोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे, जब मैं फोन चार्ज करूंगी उसके बाद मिलूंगी। इधर दीदी लोगों का किचन। तो दोस्तों अभी 5 बजे का टाइम हो गया है और दीदी के घर पे आके हाथ मुंह धो के चाय वगैरह पी है। अभी दीदी लोगों के छत में आ रखे हैं और यहाँ से मैं आपको सबसे पहले पूरे इधर उधर का नजारा दिखाती हूँ। गांव तो दीदी लोगों का ऊपर है, यहाँ से गांव तो दिख नहीं रहा है, बाकी अगल बगल इधर उधर के गाँव दिख रहे हैं। तो अभी दीदी ने पहन रखी है साड़ी और हम यहाँ पे करा रहे हैं दीदी की गाने की लिप सिंग, क्योंकि दीदी का भी बहुत जल्दी एक सॉन्ग आने वाला है खुदेड़ गीत, तो जिसकी यहाँ पे लिप सिंग करानी होगी। तो दीदी देहरादून तो जा नहीं सकती है लिप सिंग कराने के लिए अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, तो यहीं पे हम फोन पे लिप सिंग करा के उनको भेज देंगे जिनके चैनल पे गाना पड़ने वाला है। तो गाना दीदी के चैनल पे नहीं आएगा, दूसरे चैनल पे आएगा, तो जरूर आप लोग दीदी का गाना भी सुनना। कौन से चैनल पे आएगा? देवभूमि उत्तराखंड चैनल का नाम है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि दीदी का जरूर गाना सुनिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिप सिंग कराते हैं बहुत अच्छे से। दीदी सज धज के एकदम पहाड़ी लुक में तैयार हो रही हैं और सबसे पहले मैं दीदी की चुटिया दिखाती हूँ। वाह कितनी बड़ी चुटिया है, सांकरी लगा रखी है। पहले के लोग लगाते थे इस तरह सांकरी और बहुत अच्छी अभी खूबसूरत दिख रही है, बहुत पहाड़ की नारी अब लग रही है ना, अब लग रही है एकदम पहाड़ की नारी। धन्यवाद।
तो चलो अभी हम करते हैं दीदी की गाने की लिप सिंग। और मैं हूँ कैमरा मैन भूली है, बहुत अच्छा कैमरा चलाती है, तो तभी मैंने भूली से सोचा कि भूली से करवाऊंगी, भूली से अच्छा और कोई अच्छे अच्छे कैमरा मैन को हम फील कर देंगे। मजाक कर रही हूँ, मजाक, ठीक है, अपनी बड़ाई वाल कभी भी खुद नहीं करनी चाहिए। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, 7:30 बज गई है और अभी हमने यहाँ बाहर में ना आग जला रखी है, धुआं लगा रखा क्योंकि मच्छर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो दीदी ने यहाँ पे धुआं लगा रखा है। और मैंने ना साड़ी पहनी है, जो साड़ी अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने पहनी थी अपनी लिपसिंग के लिए, वो साड़ी मैंने पहनी है अभी क्योंकि मैंने एक रील बनाई है साड़ी में, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी। दीदी लाई थी बाजार से 2 मुंगरी मक्के, यानी कि मक्के तो गढ़वाली में कहते हैं इन्हें मुंगरी, तो खेतों में अभी हमारे घरों में खेतों में तो ये बहुत लेट में होते हैं, तो बाजारों में तो बारह मास पकाते हैं, तो इसमें हम ना इनको पकाते हैं, अभी इनको पका रहे हैं। बीज भी है कि नहीं है वाले, देखो देखो बीज भी है कि नहीं है, होंगे बे, ऐसा उम्मीद लगा रखी है मैंने भी, तो है बे, वाओ बहुत मस्त मस्त है ना। पहले ना हम इसको ऐसे लगाते थे, ये बुढ़िया काला मजू, बुढ़िया मैं जानूनी, ये बुढ़िया काला मजू, यहाँ भी लगाते थे बुढ़िया को, मैं आनूनी, बचपन की याद ताजा हो गई है। बोली के माँ सोनी के न भरे माई तू, नकली लगे जंगा दाढ़ी में मिलन आई तू, ग्यों को दू झांगोरू, हाँ हाँ ग्यों को दू झांगोरू, मैं कते ही खांदुनी, त्वे बुढ़िया का लंबा जंगा, त्वे बुढ़िया को मैं आंदुनी, रे यो जंगो में कटो लो त्वे बाना में। 8:30 का टाइम हो गया है और खाना बन चुका है हमारा, दीदी ने बनाया है, खाने में क्या बना रखा है, ये है दीदी के दोनों बच्चे, हाय। ये ना शर्माना सिंह बहुत ज्यादा शर्माना, हवा खाना था अभी लिखना, वीडियो में आने के लिए शर्म आ रही है बल उनको। और अभी हमने बनाया है खाने में, हमने तो नहीं बनाया है, दीदी ने बनाया है, साग बनाने के लिए मैंने बोला था तो मैंने बनाया नहीं, दीदी ने ही बनाया। कटहल की सब्जी बना रखी है और कढ़ी बना रखी है, भात बना रखा है क्योंकि हमने दिन में खाना भात नहीं खाया ना, तो तब भात खाने का तो मन तो करता ही करता है, बिना भात के भी खादू नहीं लगता है ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम खाते हैं खाना, तो रात भी काफी हो गई है और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, भी खानी है और साथ में ये बल जबरदस्ती ये हरी मिर्ची, ये हमारे घर का रिवाज है, हमारे गांव का ये गांव का रिवाज है कि मेहमान जहाँ जाएगा ये इतनी हरी मिर्च तो उसको खानी ही पड़ेगी भाई, चाहे आंसू आए चाहे कुछ भी हो, ये है पोलियो की भराई, इसको भी बार खाली करना है और इसको भी जरूर पूरा खाना है, मैं भी खाऊंगी एक छोटी वाली, आपने लिए छोटी रखी है मेरे लिए इतनी बड़ी दी है, कंठ खुल जाएंगे ना तब और भी सुरीली आवाज आएगी, अगर मैं ये पूरी मिर्च ऐसे ही खा लूंगी तो आप क्या करोगे? हम तो क्या करेंगे, तो मेरे को परेशान, मेरे को करेगी है? चलो तब हम भी खाते हैं, तो चलो दगड़ियो खाना खाते हैं, मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कैसा लगता है आपको दीदी लोगों का गाँव घर वो भी कमेंट में जरूर बताना, तो बाय बाय, कल वाली वीडियो में मिलते हैं, बाय।